कल आपको मूवमेंट पैड सिखाया था, ठीक है। आज ना हम एक कार्ड से पहले ना एक मेन्यू बार करेंगे, HTML5, ठीक है। मेन्यू बार कैसे बनाएंगे? मेन्यू बार बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है नैव। नैव के अंदर आएगा, बाद आएगा यूएल, यूएल के बाद आएगा एल आई, AHREF, इसके अंदर आएगा AHREF, ठीक है। और यहाँ इसे बंद कर देना है, इसका नाम ले रहा हूँ मैं डिप क्लास नेव, डिप क्लास नेव, तो इसे बोलेंगे मेन्यू बार, डिप क्लास नेव, और डिप को कर देंगे यहाँ पे हम बंद, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमने क्या करा, डिप क्लास नेव यूज़ किया, और यहाँ पे ना अपना एक हैशटैग लगाया था, इसका नाम देते हैं हैशटैग, इसमें हैशटैग लगाते हैं और इसमें देता है होम। इसी एल आई को ना कॉपी कर लेते हैं, एक कॉपी, दूसरा कॉपी, तीसरा कॉपी, फोर्थ कॉपी, फाइव कॉपी, है ना। होम इसका नाम देते हैं अबाउट अस, सेकंड रख लिया यहाँ पे हमने सर्विसेस, सर्विसेस गैलरी और कॉन्टेक्ट। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये इस तरीके से आउटपुट दिखेगा। ऐसा कुछ आउटपुट दिख रहा है, इसे एक लाइन में लेके आना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सी एस एस देते हैं, लिंक सी एस एस स्टाइल लिंक HREF, और यहाँ इसका नाम दे दिया मेन्यू डॉट सी एस एस, रिलेशन स्टाइल शीट और टाइप टेस्ट स्लैश सी एस एस, ऐसे सेट कर दिया, ठीक है। तो हमने लिंक लगा दिया यहाँ पे सी एस एस से, नई फाइल ले लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं, और उसका नाम दे देते हैं क्या, नहीं वो पहले एच एल फाइल में लगा देते हैं, एच एल उसको में लगा देते, फाइल में लगा देते हैं। तो हमें क्या करना है, अब इसकी सी एस एस सेट करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे तो पहले फुल स्टॉप नैव, इसकी विड्थ दे दी हमने 100%, इसकी मिनिमम हाइट दे दी हमने, मिनिमम हाइट मतलब कम से कम हाइट ही रहे 50 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने यहाँ पे इसका ये वाला कलर, और बस अब चेक करते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। ऐसा कुछ आ रहा है, पर इसके ये चाहिए हमें एक लाइन में, तो एक लाइन में लाने के लिए क्या करेंगे, यूँ लिखेंगे फुल स्टॉप नैप के अंदर जो यूएल है और उसके अंदर एलआई है, उसके अंदर एक लाइन में लाने के लिए लिखते हैं हम डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। इससे क्या हो जाएगा, यूएल एलआई लिस्ट जो होती है ना वो एक लाइन में आती है, तो एक लाइन में आ गई, इससे आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर पैडिंग भी लगाते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा पैडिंग 20 पिक्सल, तो यहाँ पे पैडिंग आ गई, स्पेसिंग यहाँ पे आ गई। और मुझे अब क्या चाहिए इसके नीचे, इसमें कलर चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट नेव यूएल एल आई ए, इसके अंदर लिखा ये, इसका मतलब हो गया कि जो नेव है उसके अंदर जो यूएल है, उसके अंदर जो एल आई है, उसके अंदर जो ए है, ठीक है। इसका कलर जो हो जाए वो ब्लैक कर देता हूँ, तो कलर ब्लैक, तो ये आ गया हमारे पास कलर ब्लैक हो गया इसका, ठीक है। कैसे बीच में करने के लिए, मतलब गुड आफ्टरनून, आ जाओ, कहाँ गायब है तू, कहाँ गायब हो गया। हाँ तो ये आ गया, इस तरीके से समझ में आ गया। तो हमारे पास क्या हो गया, नैव यू एल एल आई, इसके अंदर लिस्ट आ गई। अब ये लिस्ट को मुझे करना क्या है, अंडरलाइन हटानी है, तो अंडरलाइन हटाने के लिए क्या करेंगे, अंडरलाइन हटाने के लिए टेस्ट डेकोरेशन नन, ये आ गया इस तरीके से। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कलर वो चेंज करते हैं, फॉन्ट फैमिली रोबोट, यहाँ फॉन्ट फैमिली कौन सी रखूँ मैं, इसकी सेंस एरिफ, इससे क्या हो जाएगा फॉन्ट थोड़े से इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। स्पेसिंग हटा देता हूँ मैं यहाँ से, स्टार
मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो और बॉक्स हाइफन साइजिंग बॉर्डर हाइफन बॉक्स आ गया। तो हमारा क्या हो गया, इस तरीके से मेन्यू बार बन गया होम अबाउट सर्विसेज कैलरी कॉन्टेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया ना इस तरीके से। तो हमारा ये ऐसे सेट हो गया, इस तरीके से हमारे ये लिंक बन गए। ठीक है, अच्छा तो मेन्यू बार बन गया, यहाँ मुझे एक लोगो दिखाना है और इसे राइट साइड पे भेजना है। तो यहाँ पे इस पेन लगाया, ठीक है यहाँ पे रख लेते अपन लोगो। तो लोगो इधर आ रहा है, ये राइट साइड पे चाहिए, लेफ्ट साइड पे चाहिए। तो क्या करेंगे अपन, इसके अंदर लिख देंगे, मेन्यू के अंदर क्या लिखेंगे, मेन्यू में लिखना है डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स लिख दिया, तो डिस्प्ले फ्लेक्स एक लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, ये जो फ्लेक्स बॉक्स होता है ये एक लाइन में लाने का काम करता है, इसे पेरेंट में रखते हैं हम। तो पेरेंट में हमने फ्लेक्स लिख दिया, तो फ्लेक्स से क्या हो रहा है, ये चीज़ और ये चीज़ एक लाइन में आ गई। और बिल्कुल सेंटर पे चाहिए होती है, तो उसके लिए लिखते हैं हम अलाइन आइटम सेंटर। हाँ जतिन, हो गया ठीक है। ये देखो सेंटर में आ गया हमारे पास, ये इस तरीके सेंटर में आ गया यहाँ पे, क्लियर है। तो अलाइन आइटम सेंटर क्या काम करती है, सेंटर में लाना काम करती है। और अब मैं चाहता हूँ कि ये एक लेफ्ट साइड पे रहे, एक राइट साइड पे रहे, तो उसके लिए बस एक चीज लिखनी है आपने, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो ये दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा, एक लेफ्ट साइड पे आ गया, एक राइट साइड पे आ गया। तो ये देखो हमारा एक मेन्यू बार बन गया, इस तरीके का मेन्यू बार बन गया, जिसमें लोगो हमारा क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है और मेन्यू बार जो रहा है वो राइट साइड पे आ रहा है। क्या इसको अगर हमें सेंटर में करना होगा तो इसको सेंटर में से करना होगा, इसको तो वो लिखना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में। यार कितना लॉस हो गया यार मुझे, पांच मिनट में पता है, 5 मिनट में 7,000 का लॉस बैठा हूँ, तो सेल भी करना पड़ेगा मुझे इंटरडे, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कैसे खरीदती गिरा है, निकालना पड़ेगा सारा प्रॉफिट निकल गया। 5 मिनट में सीधे 6,000, 3:20 तक रख सकता हूँ, देखो 3:20 तक रख सकता हूँ, 18 तक रखना पड़ेगा, 3:18 तक बेचा भी एक दो मिलेगा। चलो तो ये आया, इस तरीके से समझ में आ गया ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे एक लेफ्ट साइड पर आ रहा है, एक राइट साइड पर आ रहा है। ठीक है, किससे लाया ये, डिस्प्ले फ्लेक्स से, और डिस्प्ले फ्लेक्स से आ रहा है, डिस्प्ले फ्लेक्स से एक लाइन में आ गया ये। ठीक है, सेकंड क्या करना है, यहाँ से स्पेस चाहिए और यहाँ से स्पेस चाहिए। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर यहाँ लिखना है नेव, यहाँ पे पैडिंग, लेफ्ट और राइट से चाहिए तो यहाँ पे मैं पहले दे देता हूँ, यहाँ पे 5 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से चाहिए तो मुझे लेफ्ट राइट से डाल दिया मैंने 80 पिक्सल, 100 पिक्सल। हाँ टॉप, ये अगर मैं ये ऐसे 2 बार लिखूंगा ना, तो इसका मतलब होगा टॉप और बॉटम और लेफ्ट और राइट, ये होता है लेफ्ट राइट के लिए, लेफ्ट राइट के लिए होता है। समझ में आ गया ना, तो हमारा देखो ये मेन्यू बार बन गया इस तरीके से। और इन केस अगर आपको मेन्यू बार में मतलब यहाँ पे होवर चाहिए तो होवर भी लगा सकते हैं, तो आपको यू लिखना पड़ेगा डॉट नेव,
डॉट नेव यूएल एल आई पे होवर जाने पे, ठीक है, डॉट नेव के यूएल के एल आई पे होवर जाने पे क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर ग्रे हो जाए। क्या हो रहा है, होवर जाने पे बैकग्राउंड कलर ग्रे आ रहा है। बैकग्राउंड कलर ग्रे आ रहा है, ठीक है। अगर आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो ऐसे ही। 4 मिनट 3 मिनट है, ठीक है, समझ में आया ना आपको। तो इस तरीके से आ गया हमारे पास डॉट नेव तो अगर आपको ये चीज चाहिए कि एल आई पे होवर जाने पे इसका कलर भी चेंज हो जाए, तो देखो कलर चेंज नहीं होगा क्या, आप यहाँ पे लिख देना कलर, लिख देना वाइट, तो कलर चेंज नहीं हो रहा। तो वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो हमारा ए में है, वो ए में है। तो आपने क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आपने यहाँ लिखना पड़ेगा डॉट नेव यू एल एल आई, ठीक है, ए, इस तरीके से लिखना है आपने, नहीं यू लिखना है डॉट नेव यू एल एल आई पे होवर जाए तो ए, इसका कलर जो हो जाए वो हो जाए हमारा वाइट कलर ऐसे। तो इससे क्या हो जाएगा, जब इस पर कोई होवर लेके जाएगा तो वाइट कलर हो जाएगा। तो देखो हमारा ये मेन्यू बार डिजाइन हो गया इस तरीके से। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, बस अभी आपने आज मेन्यू बार का ही करना है, ठीक है, मेन्यू बार ही बनाना है इस तरीके से। ये मैं आपको फाइल शेयर करता हूँ, आज अपने ऐसे मेन्यू बार डिजाइन करना है। हाँ, बीच में लाने के लिए यहाँ पे ना टेस्ट जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखेगा, स्पेस बिटवीन की जगह, तो सेंटर में आ जाएगा। स्पेस बिटवीन लिखोगे तो इस तरीके से रहेगा। हाँ, तो सेंटर में वैसे लेके आना, तो पैडिंग लेके आना पड़ेगा, पैडिंग बनानी पड़ेगी राइट साइड से, ठीक है। तो आपको क्लियर है ना, तो इतना करके देखना है फिलहाल हमने, फिर देन ये बना के मुझे भेज देना भी करेगा, ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूँगा। ये तो ये हमारा मेन्यू बार इस तरीके से डिज़ाइन हो गया। एग्जिट करना होगा 6000 कन्वर्ट को भी कर दूँ मैं इसे। ठीक है, इतना करके देखना है, आगे समझ में।